हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज तीज है, तो तीज की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। देखिए तीज में क्या क्या लगता है। हाय फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये साड़ी है जो हम फ्लिपकार्ट से लिए हैं, ये हम तीज में पहनने वाले हैं। और ये चूड़ी है, ये भी हम फ्लिपकार्ट से लिए हैं। ये मैचिंग ज्वेलरी है, ये ओढ़नी है, दुपट्टा है, ये मंगलसूत्र, ये पायल, ये सब हम तीज में पहनने वाले हैं। तो चलिए अब हम तैयार होते हैं। बाय। तीज की पूजा के लिए फ्रेंड्स तैयार हो रहे हैं। हमको ज़्यादा ठीक से तो मेकअप करना आता नहीं है, बस तो जैसे आता है कर ले रहे हैं। घर का पूजा है, सजना संवरना तो हर स्त्री का शौक होता है, तो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये साल में एक बार ही ये व्रत आता है। तो इसमें हर स्त्रियां चाहती है कि हम अच्छे से सजे, अच्छे से तैयार हो। तो मेरा भी शौक है कि हम भी अच्छे से तैयार हो, तो बस कोशिश कर रहे हैं तैयार होने का, बाकी नहीं जानते हैं। ठीक है, सुनना चाहती हूँ। उत्तर दिया बड़ा रमणी,
और गुणवत्तों में श्रेष्ठ हिमपाल नामक पर्वत है जिसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ भोग से देवता श्री चार पक्षी सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज में कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें अस्फटिक रत्नमणि आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श करते रहता है। उसका समस्त शिखर भीम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। एक बार उसने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की। 12 वर्षों तक मूर्ति लटक कर केवल धुआं पीकर रहे। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रहे। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाखी दोपहरिया में पंचामृत आती थी। ब्राह्मण महीने में श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट शाम को देखकर बड़े दुखी हुए और चिंता में पड़े कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गृह ने आद्य पान आसन आदि लगा उनकी पूजा की। हिमपान बोले, हे स्वामी आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगत मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, यह पर्वत राज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आ रहा हूँ। आपको चाहिए कि यह योग कन्या रखने से योग बल हो जाए। भगवान विष्णु के समान योग बल ब्रह्मा इंद्र शिव इसमें कोई नहीं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दें। फिर बार ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या दे रहे हैं और यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं अपनी कन्या दूंगी। हिमबान की इतनी बात सुनकर मुनि और नारद आकाश में लीन हो गए। गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ धोकर जोड़ कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, यह सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमबान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि है पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहाँ जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते देख तुम्हारी सखी बोले, तुम इतनी दुखी क्यों? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी तो कुछ अभिलाषा है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति मानना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की बात सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग ना कर, चल किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसे से लाकर तुम वैसे वन में जा पहुंची उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोलने लगे। युद्ध द्वारा भी खबर देने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमबान मूर्छित हो गए। हिमगिरी को मुझे
कल जोड़ी हम विनय करै छी बम भोले भगवान अहो भोले बाबा लेहु न खबरिया हमार अहो भोले बाबा लेहु न खबरिया हमार अक्षत चंदन बेल छत चंदन बेल के पाती पूजा के श्रृंगार अहो भोले बाबा लेहु न खबरिया हमार अहो भोले बाबा लेहु न खबरिया हमार के शिव के मनाई बहो शिव मान तनाई किले के शिव के मनाई बहो शिव मान तनाई लड्डुआ पेरा शिव के मन हो नवावे लड्डुआ पेरा शिव के मन हो नवावे भांग के के शिव के मनाई बो शिव मान तनाई काले के शिव के मनाई बो शिव मान तनाई पूरी पूरी कचौरी शिव के मन हो नवावे पूरी कचौरी मोबाइल में सुनने शिव जी के